हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। शर्मा जी बात कर रही हैं। यस मैडम, यस बताइए। हेलो, बताइए। गुड आफ्टरनून, सौम्य बात कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया हूँ। सौम्य जी कैसी हैं? सौम्य जी, हेलो सौम्य जी, के रिगार्डिंग आपकी फ्रेंड नहीं हो सर। अच्छा, तो आप तो पूछ लिया, आप तो बदतमीजी थोड़ी कर दी। सौम्य, ऐसा लग रहा है आप गुस्सा क्यों? टीएल ने डांट दिया क्या? टीएल ने डांट नहीं दिया, मैं आपको प्रोफेशनल वे में बात कर रही हूँ। आप नाराज क्यों हैं? टीएल ने डांट दिया क्या आपको? बोला आप ये बताइए, पता है क्यों? क्योंकि जैसे आप अगर जैसे मुझसे कह देती ना। हेलो, हेलो, राहुल जी से बात हो रही है? यस, कॉल आपके रिकॉर्ड की जा रही है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, आपने पहले ही बता दिया मुझे कि रिकॉर्ड हो रहा है। आप राहुल बोल रहे हैं ना? हाँ राहुल, पूरा नाम बोले कर, अच्छा नहीं लगता पूरा नाम, पता है तुम्हें? तो राहुल क्या है सर, क्या पूरा नाम? राहुल, पूरा नाम राहुल के आगे क्या है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ राहुल लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ राहुल के आगे मैंने लिखवाया ही था, ये तो मैं भूल जाता हूँ, बार बार ये चीज भूल जाता हूँ। आगे बताओ राहुल जी, आपका जो कैश लोन का पेमेंट है उसी के रिगार्डिंग ये कॉल किया जा रहा है। पेमेंट आपने पिछले 2 महीनों से कराया नहीं है ना? ये तो आज 4 महीने ऑन नहीं कराऊंगा। हाँ जी, 4 महीने ऑन नहीं कराऊंगा। बाकी आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको सुना देता हूँ। तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले, थक जाए सारे वकील, मुझे जमानत ना मिले, कैसे लगी आपको फिर कैद? हेलो, मैं तो सुन रहा था, मैंने सारी सुनने के लिए कॉल नहीं किया ना। तो मैंने तो सुनाने के लिए कॉल किया है ना। रख दीजिए, दोबारा कॉल आ जाएगा। आप रखो, मैं क्यों रखूँ? आपने हेलो, क्या मैडम? संजीव कुमार आर्य जी से बात हो रही है? यस मैडम। सर पेमेंट की रिगार्डिंग बात करनी है, कोटक कार्ड की पेमेंट पेंडिंग हो रही है, ये जानते हो क्या इशू आ रहा है? नहीं मैडम, आपसे कलेक्शन करने नहीं आता, आप टीएल से ट्रेनिंग लो पहले। हाँ जी, टीएल से ट्रेनिंग लो, आपको कलेक्शन करने नहीं आता। क्यों नहीं आता सर, रीजन बता देंगे आप? मैडम आपने कोटक से बता दिया, आपने मेरा नाम कन्फर्म कर लिया, अपना नाम तो कन्फर्म किया ही नहीं सर। तो आपको तो कंफर्म हो गया ना सर, मैं कोटक के भी आपसे बात कर रही हूँ। नहीं मैडम, अगर मुझे एस्केलेशन डालनी होगी तो आपका नाम तो पता होना चाहिए सर। तो क्यों डाल दियो एस्केलेशन? मैंने आपसे कोई बदतमीजी की? फिर भी मैडम नाम तो पता होना चाहिए अगर डालनी पड़ी इन फ्यूचर, या मान लो नाम पता है। ऐसे आपको ये नहीं पता कि खुद SBI बोलता है कि जब आप कॉल करते हो तो आप उसको पूरा इन्फॉर्मेशन दोगे, सर मैं, मेरा नाम ये है, मैं इस एजेंसी से बोल रही हूँ। तसल्ली के लिए ना, आपकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा से बोल देती हूँ सर। गुड आफ्टरनून, कोटक महिंद्रा बैंक के भी आपसे उर्मिला बात कर रही हूँ। मेरी बात संजीव कुमार आर्य जी से बात हो रही है? अब अच्छा लगा मैडम। हाँ मैडम, संजीव कुमार आर्य से आपकी बात हो रही है। जी संजीव कुमार आर्य जी, पेमेंट पेंडिंग हो रही है सर, कोटक कार्ड एंडिंग 7067 की, जान सकती हूँ क्या इशू आ रहा है? मैडम आपको इशू जानना है? मैडम इशू मैडम ये है कि मैं इंटेंशनली इसका डिफॉल्ट करता हूँ। ओके, क्यों डिफॉल्ट कर रहे हैं सर इंटेंशनली, ये बता दीजिए प्लीज। मैडम क्योंकि ना मैंने 50 लाख रुपए का प्लानिंग करके लोन लिया, मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा। हेलो, हेलो मिस्टर अमित लोनियाल जी बोल रहे हैं ना? आप कौन? मैं HDFC क्रेडिट कार्ड के भैया से बात कर रहा हूँ सर। आपका एक पेमेंट चल रहा है HDFC का जी। आपका नाम? और कार्ड की पेमेंट नहीं, मेरा नाम राजन बात कर रहा हूँ। राजन भाई, दुनिया गोल गोल दिख रही, एकदम घूमते घूमते मुझे। हाँ जी बोलिए सर। अभी थोड़ी देर पहले एक बोतल पी थी ना, तो दुनिया गोल गोल दिख रही है, घूमते घूमते। पेमेंट नहीं करेंगे क्या आप? पेमेंट अभी कर रहा था, बोतल लेकर आया था ना, तो उसे पेमेंट दी थी। कार्ड की पेमेंट? कार्ड की पेमेंट
कौन सा कार्ड की SBI वाला, वो तो मत डिस्कनेक्ट कर दो। HDFC का, HDFC का करेंगे कुछ हम। एक तो सर घूम रहा है सर, दुनिया गोल गोल दिख रही है, अभी पी के आया हूँ ना, अभी बोतल पी है। HDFC का कम करेंगे हम, HDFC का आपका हम कर देंगे कुछ 2 महीने बाद कर देंगे HDFC का। अभी तो नहीं है ना पैसे, अभी देखते ही दुनिया घूमती घूमती दिख रही है। आपको पता है? हेलो हेलो, हाँ रंजीत जी। हाँ रंजीत जी, SBI कार्ड से बात कर रहा हूँ, कलेक्शन मैनेजर। ये आपके कार्ड का सेटल करना है सर। आपका नाम? रंजन शाह बात कर रहा हूँ। रंजन शाह, क्यों मैंने आपसे बात करी थी क्या सेटलमेंट के पहले? नहीं, यहाँ पे सिस्टम में आपका अपडेट दिख रहा है, इसके लिए मैं। कौन से बकेट में है गेट हमारा? बकेट में मतलब क्या इंटेंशन क्या है रंजीत जी के लिए, तो बताइए, मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं मैं तो जानना चाह रहा हूँ, मुझे ना, मुझे एनपीए के लास्ट बकेट में ही है आपका। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट जरा होल्ड करना, ठीक है। हाँ सर, मैं क्या कह रहा था, क्या मिस्टर रंजन क्या बात हुई थी हमारी? इंटेंशन की बात कर लीजिए, इंटेंशन की बात कर लीजिए हमारी। तो ऐसा इंटेंशन तो देखो ये है कि 2 महीने बाद अरेंज होगा, बाकी मैं जानना चाह रहा हूँ कौन से बकेट में है। मैं ये बोल रहा हूँ ऑलरेडी एनपीए के लास्ट बकेट में है आपका। एनपीए के लास्ट बकेट में? ओके, 2 महीने बाद अरेंजमेंट हो पाएगा इसका, अगर कुछ भी मैं कराता हूँ। ओके, as you wish। सौरभ गुप्ता बात कर रहे हैं? यस, सौरभ गुप्ता बात कर रहे हैं। सर मैं अमन बात कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक के यहाँ से रिकॉर्डर लाइन से। आपका सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड कार्ड 9209 कार्ड एनिंग नंबर है। आपकी तो वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज सही से नहीं आ रही, आवाज ज्यादा आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आपका इधर सिटी बैंक कार्ड ट्रेंडिंग नंबर शो कर रहा है, 9209। आप अगर कार्ड में सेटलमेंट लेकर कार्ड क्लोज कर सकते हो सर, ऑफर है इस कार्ड में अभी। मैं कह रहा हूँ कि सर सेटलमेंट प्लान अवेलेबल है इस कार्ड में, सेटलमेंट लेकर कार्ड क्लोज कर सकते हो। नहीं चाहिए भाई साहब सेटलमेंट, वही तो कह रहा हूँ। कार्ड कैसे क्लोज करवाना है फिर? कार्ड जाने के बाद, 2 महीने बाद। वही कह रहा हूँ, राइट ऑफ पे जाने के बाद ही क्लोज होगा ना सर, ये बोल रहा हूँ। हाँ ये समझ लो आप, तो वैसे इश्यू का फेस कर रहे हो, जॉब 40% से जॉब कर रहे हो अभी आप? हाँ जॉब तो छूट गई, बाकी मल्टीपल डेप्थ। हाँ जॉब छूट गई, मल्टीपल डेप्थ। आपका क्या नाम बताया आपने? मैं अमन बात कर रहा हूँ सर। अमन, किसके में आपसे बोल रहे थे? वन कार्ड एक्सिस बैंक। जॉब छूट गई है, मल्टीपल डेप्ट है मेरे ऊपर, प्लस मैं जॉब की खोज भी कर रहा हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी कहाँ है, गुड कहाँ है दिन? सर मेरी बात मिस्टर बाबू जोसेफ जी से हो रही है। बाबू बेचारा बहुत परेशान है इस समय। सर आप ही हैं बाबू जो? सर मैं ही हूँ, लेकिन मैं ही परेशान हूँ ना। एक्चुअली सर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल था, मैं लोकेश बात कर रहा हूँ, क्रेडिट के हिसाब से रिकॉर्डेबल लाइन पे। मिस्टर बाबू आपकी क्रेडिट की EMI पेंडिंग है। क्यों कर रहे हो? 10,695 की जी सर। क्यों कर रहे हो बोल तुम बात? सर आपकी क्रेडिट की EMI पेंडिंग है सर 10,695 की, 6 तारीख की आपकी ड्यू डेट थी, अभी तक आपने पेमेंट नहीं कराई है सर। आज मंथ का लास्ट आ चुका है, 31st हो चुकी है, कब तक पेमेंट हो जाएगी सर आपकी? पेमेंट कराएंगे, पेमेंट कराएंगे, 1-2 साल बाद कराएंगे। सर देखिए, अगर आप ज्यादा डिले करेंगे तो माइट भी आपके ऊपर चार्ज भी कर सकते हैं सर।
प्लीज ट्राई कीजिए कि आप आज आज के अंदर अभी एक दो घंटे के अंदर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करा दे सर। क्या इशू क्या आ रहा है सर आपको पेमेंट कराने में, मुझे बताइए। इशू क्या बताएं सर, देखिए अगर आप कंफर्टेबल हैं आप बता सकते हैं सर कि क्या इशू आ रहे थे। कि देखिए अगर आप ज्यादा डिले करेंगे तो माइट भी आपके अकाउंट पे आज ऑटो डेबिट हिट हुआ है, माइट भी अगर वो फेल होता है तो आपके ऊपर 500 से 600 तक का बाउंस चार्जेस इनिशिएट हो सकता है सर। और उसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि अगर ज्यादा इम्पैक्ट होता है तो आपका आगे फर्दर कोई भी लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है सर। नहीं हम नहीं देंगे, नहीं देंगे इसका वेंटेज वन ईयर टू के बाद। जी सर वेंटेज वन ईयर टू के बाद देंगे सर, बट उसके पहले आपको ये लोन तो क्लियर करना पड़ेगा ना सर। आप ये वाली ईएमआई के बारे में मुझे बताइए कब तक पेमेंट करवाएंगे। मिस्टर बाबू एम आई ऑडिबल सर, ये कराएंगे विंटेज टू के बाद। कब कराएंगे सर? विंटेज टू के बाद सर। बट आप आज सर मंथ का लास्ट डे है, अगर आप आज भी नहीं कराएंगे तो सर आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। आप आज आज के अंदर ही पेमेंट करा दीजिए सर। नहीं मैं विंटेज टू के बाद ही कराऊंगा सर। मिस्टर बाबू आप मेरी बात सुनिए, देखिए नहीं मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात, आपकी बात मैं रोज सुनता हूँ। अब मिस्टर बाबू बिल्कुल सुनने की हालत में नहीं। तो सर आप मुझे ये बताइए ना, देखिए आपके ऑलरेडी इतना ज्यादा डील हो चुका है, हम आपको पूरा एक महीने का टाइम दे चुके हैं सर, उसके बाद भी आपकी ईएमआई पेंडिंग है, इसीलिए जस्ट आपके पास कॉल्स आ रही है। ठीक है मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा। अच्छा देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पेमेंट करना, तो सर आप पेमेंट करा दीजिए सर। अगर आपके पास फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे तो फैमिली फ्रेंड से कहीं ना कहीं से अरेंज करके करा दीजिए, बट एटलीस्ट पेमेंट तो कराइए ना सर। डिफॉल्ट कर दूंगा सर मैं इसका। ठीक है सर, देखिए अगर आप पेमेंट नहीं करवाएंगे तो सर लॉस आप ही क्या है, आप ही के ऊपर बाइक भी बाउंस चार्जेस और लेट पेमेंट चार्जेस कर सकते हैं सर, और उसके अलावा आप ही का क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो सकता है, इसीलिए मैं नो टेंशन। नो टेंशन, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम भाई, तो तुम पता है तुम इतनी टेंशन लोगे तुम बीमार हो जाओगे, मेरे को तो नो टेंशन है। बट सर आपका हमें हमारा सर काम है आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बता रहे हो, ये बोल दो कि टीएल ने डाटा था कि आज इतना टारगेट चाहिए, वो पूरा कर रहा हूँ, साफ साफ बोल दो कितने बोलेंगे सर। देखिए जस्ट हम आपके बेनिफिट के लिए बता रहे हैं कि अगर आप ज्यादा डिले करेंगे यही मैं बोलूंगा, अपने बेनिफिट के लिए बता रहे हो, टीएल ने सुबह से डाट दिया होगा ना आज इतने टारगेट ला के दिए। सर आप मुझे बताइए कि आप पेमेंट कब तक कराएंगे सर? जी कब सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। विंटेज टू के बाद सर आज पेमेंट कराने में सर क्या इशू आ रहा है आपको बताने? दिल नहीं जा रहा आज जी, दिल नहीं जा रहा सर। देखिए प्लीज आप प्लीज ट्राई कीजिए, आप आज आज के अंदर ही पेमेंट करा दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिले करेंगे तो सर आप ही का लॉस है। आप मुझे बताइए आपको कोई इशू नहीं है सर चार्जेस पे करने में ईएमआई के साथ? नहीं। तो सर अब आप मुझे एक बार बताइए सर, अभी आपके पास ईएमआई अरेंज करने के पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो माइट भी आपके पास चार्जेस अरेंज करने के पैसे कहाँ से हो पाएंगे सर? इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पेमेंट करा दीजिए कहीं ना कहीं। ये तो मेरा कैसे ना, ये पूछने का तुम्हें यार अथॉरिटी किसने दी, कैसे होंगे ये कोई पूछ सकते हो तुम किसी कस्टमर से? जी ये पूछने की अथॉरिटी किसने दी तुम्हें कि कैसे होंगे अरेंज, किसी कस्टमर से पूछ सकते हो तुम? सर मैं जस्ट आपको पूछ रहा हूँ आपसे, और आपसे ये पूछने की अथॉरिटी किसने दी वही तो पूछ रहा हूँ, या किसी कस्टमर से पूछ सकते हो तुम? क्या सर देखिए मैं जस्ट आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड से पैसे अरेंज कर सकते हैं और वो करके पेमेंट करा दीजिए, जिसमें आपसे को बता रहा हूँ सर ये चीज। विंटेज टू सर देखिए प्लीज आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप आज से ज्यादा डिले करेंगे तो सर आपको चार्जेस कट सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं चार्जेस से करने ये कोई इशू नहीं है। ठीक है छह दिन लाल हो रहे हो तुम भी चपक रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है सर, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, प्लीज ट्राई कीजिएगा कि अगर आप आ जाते हैं। ओके, गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, जल्दी अपडेट कर दो, ठीक है। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।